हाँ जी गाइस, तो गाइस हमने पेट्रोल गाड़ी में भरवा लिया है, हम लोग बहुत ज्यादा थक गया मैं गाड़ी। तो गाइस शाम के रात के 7:34 हो गए हैं, काफी देर से चले हुए, अभी तक पहुंचे नहीं। गुड मॉर्निंग गाइस, तो गाइस कैसे हैं आप लोग? तो गाइज मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ सुबह, चाहे डालूंगा शाम को, पर इसलिए गुड मॉर्निंग बोल दिया, सुबह सुबह दे आपको। तो गाइज आज का ब्लॉग बहुत ही शानदार होने वाला है, क्योंकि आज के ब्लॉग में मैं, मुकेश सर, मम्मी पापा जी, चारों लोग अपने बड़े भाई और भाभी जी से मिलने दिल्ली जा रहे हैं। तो गाइज हम बहुत टाइम से प्लानिंग कर रहे थे, तो मैं और मुकेश सर अपने रूम से यहाँ से निकल जाएंगे, मम्मी पापा जी हमें चंडीगढ़ में मिलेंगे, बस स्टैंड चंडीगढ़ में, वहां से हम उनको लेंगे और हम चारों लोग फिर अपने बड़े भाई और भाभी जी से मिलने दिल्ली चले जाएंगे। तो गाइज बहुत अच्छा लग रहा है, तो मैंने मैं शर्ट पहन लिया, मुकेश सर तो तैयार हो गया अपना हाई नेक पहनकर, ठंड बहुत ज्यादा नहीं है वैसे, पर इस वक्त गर्मी लगेगी बाद में यार, दिल्ली में गर्मी होगी। चलो कोई बात नहीं, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो मैं अभी एक बार स्वेटर पहन लेता हूँ, शूज पहन लेता हूँ, फिर मिलता हूँ आपके साथ। गाइज आप वीडियो बने रहे और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करना ना भूलें। तो गाइज अभी हम जा रहे हैं चंडीगढ़, पीछे मेरे ब्रदर पहले यहीं चंडीगढ़ में जॉब करते थे, तो उस टाइम पर कुछ सामान था मेरे ब्रदर का जो यहीं पे उनके किसी दोस्त के पास पड़ा हुआ था, हमने वो मोमेंट हमने शूट नहीं किया, लेकिन चलो ठीक है, अब हम चंडीगढ़ हाईवे में हैं, इस टाइम पे हाईवे के थ्रू चंडीगढ़ जा रहे हैं, तो मम्मी पापा भी आने वाले हैं, वो भी बस रास्ते में पहुँच गए हैं। तो गाइज थोड़ा सा आपको व्यू दिखा देता हूँ रियर कैमरे से। तो गाइज चंडीगढ़ 43 ISBT में हम पहुंच गए हैं और मुनीर सर गाड़ी पार कर रहे हैं, आपको भी दिखाते हैं, सामने देखो मुनीर सर गाड़ी पार करने लगे हुए हैं। तो गाइज 43 सेक्टर में हम लोग पहुंच चुके हैं, तो ये 43 सेक्टर है, मुकेश आगे जा रहा है, आप देख सकते होंगे आगे मुकेश चला हुआ है। तो हमें जो है एक्चुअली मम्मी जी को ढूंढ रहे हैं हम लोग, मम्मी पापा जी को, वो आ गए हैं। हाँ जी गाइज, तो गाइज फाइनली मम्मी पापा जी मिल गए चंडीगढ़ सेक्टर 43 में, तो अब हम यहाँ से वापस जा रहे हैं गाड़ी में, यहाँ मैंने गाड़ी पार्क की है, पीछे मम्मी पापा जी आ रहे हैं, काफ़ी पीछे हैं, और मुकेश जी है साथ में है, तो मैंने बैग उठा लिया मम्मी पापा जी का। तो गाइज आप वीडियो में बने रहें और फिर हम निकल जाएंगे अब अपने दिल्ली, अपने भाई के पास, भाभी जी के पास, और रास्ते में जो भी होगा। तो गाइस आप वीडियो में बने रहें और वीडियो को स्किप नहीं करना है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना है। हाँ जी गाइस, तो गाइस अब हम लंच करने के लिए रुके हैं यहाँ पे रास्ते में, एक्चुअली हमारा प्लान ये था कि हमने अमरीक सुखदेव में लंच करना है, लेकिन वो काफ़ी दूर था यहाँ से 100 किलोमीटर के करीब, और मम्मी पापा जी को, हम सभी को बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, तो हम लोग यहीं रुक गए हैं, यहाँ पर है जिलमिल पंजाबी ढाबा, यहाँ पर हम लोग लंच करेंगे। तो मैं तो निकल आया हूँ बाहर, मम्मी और मुकेश सर जो अब अंदर गाड़ी में बैठे हुए हैं, पापा जी अभी निकले हैं बाहर, तो हम लोग अब लंच करते हैं, लंच के बाद आपके साथ मिलते हैं। तो गाइज फाइनली पेट पूजा हो गई है, अब काम दूजा काम, मतलब अब हम आगे रास्ते में जा रहे हैं, मम्मी जी मैं पीछे बैठे हैं, मुनीश गाड़ी ड्राइव कर रहा है और पापा जी आगे वाली सीट पर बैठे हैं। तो गाइज लंच काफ़ी अच्छा था, खाना काफ़ी टेस्टी बना हुआ था यहाँ पर, और खाना खा के संतुष्टि हो गई, अब जाएंगे दिल्ली, दिल्ली में अपने ब्रदर के पास शाम का, और 2:46 हो गया दोस्तों, 46 मिनट, मतलब हम कब तक पहुँचेंगे, 47 हम पहुँच जाएंगे कोई 5-6 बजे तक, आई थिंक सो। अभी दिल्ली यहाँ से 170 किलोमीटर दूर है, तो दिल्ली अभी बहुत दूर है, तो अभी चलते हैं दिल्ली। Like that, where you play hard, no rush, go music.
हाँ जी गाइस, तो गाइस हमने पेट्रोल गाड़ी में भरवा लिया है। हम लोग बहुत ज्यादा थक गया, मैं गाड़ी सुबह से ड्राइव कर रहा हूँ और मेरा बहुत बुरा हाल हो गया, बहुत थक गया हूँ मैं। एटलीस्ट सुबह से हम लोग 270 किलोमीटर चल बैठे हैं, 270-280 किलोमीटर हमने गाड़ी चला दी है, तो मैं काफ़ी थक गया हूँ। तो अभी मैं वेट कर रहा हूँ, थोड़ा रेस्ट कर रहा हूँ। तो मैं मुकेश सर को बोल रहा हूँ, मुकेश सर आप गाड़ी चला लीजिए, अब मैं थक गया हूँ काफ़ी ज़्यादा। पता नहीं मुकेश सर चलाएंगे नहीं चलाएंगे, क्योंकि दिल्ली में मुकेश सर बोल रहे हैं मैं चलाऊँगा, तो पापा जी भी आके बैठ गए। तो काफ़ी ज़्यादा थकने के बाद मेरा सच में बहुत बुरा हाल हो रखा है थकावट से। चलो कोई बात नहीं, अब गाड़ी तो चलानी है, काफ़ी दूर है अभी तो, 200 किलोमीटर भी और चलना है। तो गाइज आप वीडियो में बने रहे, वीडियो अच्छी लग रही हो लाइक जरूर कर दें। चलिए गाइज चलते हैं फिर आगे की तरफ, थोड़ा और सफर करते हैं। यहाँ पे मैंने तेल डलवाया। अच्छा जी, अपनी बहू रानी से मिलने जा रही हैं मम्मी जी। तो आप मैरिज एनिवर्सरी के लिए क्या कुछ मतलब सोचा अभी क्या करेंगे या नहीं? अभी प्लान नहीं किया कुछ भी? अभी घर जाकर सोचते हैं। घर जाके सोचते हैं, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। गाइज हम लोग काफ़ी सुबह से चले हैं, आपको पता ही है, लेकिन बीच में रास्ते में ना हम काफ़ी थोड़े से रास्ता भटक गए, आप ये बोल सकते हो। गूगल मैप जो लगाया हुआ था, एक्चुअली मेरे ब्रदर जो वो फरीदाबाद की साइड है, काफ़ी दूर है दिल्ली से भी आगे। तो हम लोग दिल्ली जब अंदर पहुंचे तो वहाँ पे काफ़ी रश था, काफ़ी ट्रैफिक थी, तो हम लोग वहाँ से वापस हो गए फिर। और अब हम गाजियाबाद से होकर, नोएडा होकर, हम लोग पलवल होकर हम लोग जो है वो आगे जा रहे हैं। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हम लोग सुबह से सफ़र कर रहे हैं, थक भी गए हैं और थोड़ा खज्जल भी होना पड़ा। पहली बार हम लोग जा रहे हैं बाइक के पास, तो शायद दिक्कत आ रही है। दूसरी या तीसरी बार जाएंगे मुझे लगता है फिर दिक्कत आएगी। मम्मी जी देखो इतनी परेशान है, कैसे बुरा सा मुंह बना लिया है उदास हो गया मम्मी जी कि काफ़ी टाइम से लगातार सफ़र करना पड़ रहा है और अभी तक पहुँच नहीं घर में। और सेठू भी थक गया, मुनीश थक तो नहीं गया बहुत ज़्यादा? मुनीश बहुत ज़्यादा थक गया है। तो गाइस जब पहुँच जाएंगे तो आपको बताऊँगा। चलते हुए शाम हो गई है, देखो आप अंधेरा होने लग पड़ा है। टाइम 6 बजे कर, टाइम जो है 6:24 हो गए हैं, 6:30 हो गए हैं। और हाईवे बहुत अच्छा है, हाईवे इज़ वेरी वेरी गुड। आप देखिए काफ़ी स्मूथ, काफ़ी सेफ एंड काफ़ी ट्रैफिक फ्री हाईवे यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है, बिल्कुल साफ क्लियर नीट एंड क्लीन। तो गाइस शाम की रात ये 7:34 हो गए हैं, काफ़ी देर से चले हुए, अभी तक पहुँचे नहीं। अभी भी 9:02 किलोमीटर आर लेफ्ट, 33 मिनट्स रहेंगे अभी पहुँचने में, बहुत दूर है। और साथ में रास्ते बड़ा अजीब सा है, काफ़ी ख़राब रास्ता है ये वाला। फरीदाबाद से आगे फिर हम लोग अभी चले हैं फरीदाबाद से, तो काफ़ी मुश्किल से अभी पहुँच पा रहे हैं क्योंकि रास्ता काफ़ी दिक्कत आई। देखो अब काफ़ी अंधेरा दिख रहा होगा मेरा, यहाँ पर शाम को काफ़ी अंधेरा हो गया इस टाइम पर। तो गाइस मेरा बड़ा भाई हमें लेने आ गया है गायत्री मंदिर के पास, देखो आगे के बड़ा भाई जा रहा है, आपको दिख रहा होगा मेरा बड़ा भाई पहले से मोटा सा हो गया है ये मन्नू भैया चलाओ, देखो बड़ा खुश लग रहा है।
करे, ऐसे में भाग नहीं रहा हूँ। जी गाइस, तो गाइस फाइनली हम लोग मन्नू भैया के घर पहुंच गए हैं। आज का दिन बहुत ही खतरनाक था, कभी नहीं भूल सकते। ये बहुत दूर था घर मन्नू भैया का, मतलब क्या ही बोलूं मैं आपको, 470 किलोमीटर गाड़ी चली है, मतलब बहुत ज्यादा थक गए मैं और मुकेश। तो बजाय मम्मी पापा तो सुबह से चले हुए हैं कांगड़ा से, पहले बस में आए फिर उसके बाद आगे गाड़ी में, तो उनको कितने थक गए होंगे। पर चलो जो भी था अच्छा था, इंजॉयबल था। बहुत लंबा समय बिताने के बाद हमें मिला अपनी सफलता और हमने किया मुकाम हासिल। धन्यवाद। हमें टेंशन हो गई थी कहीं हम लोग रास्ते में भटकना जाएं, होटल ना लेना पड़े, फिर कल ना मिले, कहीं आज हो ही ना पाए, क्योंकि गाइस एक पल क्या है मैं बताता हूँ आपको, छोटा सा। जब गूगल मैप पे चला हुआ था, लिखा हुआ था 27 किलोमीटर दूर, फिर 16 किलोमीटर दूर, और एक टाइम ऐसा है थोड़ा सा आगे गए, वहां पे लिखा हुआ था गोल आएगा, गोल से चुराहे से आपने इस तरफ जाना है, वो गोल से आया नहीं और एकदम से 57 किलोमीटर वहां पे आ गया। जब वो 57 किलोमीटर है, मम्मी का मुंह तो इतना सा हो गया, रोने वाला ही हो गया था, और पापा बेचारे बोल रहे थे कोई बात नहीं हो जाएगा, टेंशन मत लो। फिर वहां पे हमने, फिर वहां पे मैंने गाड़ी रोकी थी, वहां पे मैंने थोड़ा दिमाग लगाया, फिर गाड़ी मैंने बैक करी अंदर की, तो वहाँ एक इंसान मिला, उससे पूछा, फिर मैंने बोला हो सकता है जो नीचे गोल बता रहे हैं वो नीचे से हो या हाईवे है, मैंने रोकी थी गाड़ी, ये सच्ची बात है। गाड़ी मैं चला रहा था, मैंने रोक दी हाईवे में, रोकी गाड़ी मैंने। एक इंसान हमें मिला भगवान के रूप में, उन्होंने बोला सर आप ऐसे आगे करके सब जाइए, और फिर उस रास्ते में पड़ गए, उस रास्ते में गर्मियां बहुत भीड़ी थी, मतलब हम इतने बुरे रास्ते से आए, फिर उसके बाद पूछो मतलब। चलो फाइनली पहुंच गए हैं, आज का ब्लॉग यहीं पे खत्म कर देंगे ज्यादा बातें ना करते हुए। अभी फिलहाल तो अभी तो डिनर भी करेंगे, देखते हैं बातें भी करेंगे। तो ये भाभी जी अपने हमारे, ये मन्नू भैया, तो ये दोनों लोग हमारा वेट कर रहे थे काफी देर से, इनको भी लग रहा था पता नहीं कब तक आएंगे। तो ये बोलते हैं आपको मैंने नेवी, आपको मैंने करंट लोकेशन भेजी, तो क्यों लग रहा पता, क्यों लग रहा पता, और घर इतना अंदर घुस के था कि कहाँ चलेगा पता। पर चलो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं, अब थोड़ी देर में मिलते हैं आपके साथ डिनर के टाइम पे। तो गाइज आते ही सबसे पहले हमारी सेवा करने की शुरुआत कर दी है भाभी जी ने, बिस्किट और चाय, और चाय बड़ी कड़कदार, और साथ में गजरेला भी है, गजरेला भी है, और क्या क्या है, गजरेला है, राजमा है, चावल है, चाय दाल है। ओके मन्नू भैया बहुत खुश लग रहा है क्योंकि उसके भाई, उसके मम्मी पापा, भाभी जी और मन्नू भैया से मिलने के लिए आए हैं। मम्मी जी बड़ी खुश हो गई है, बड़ी मुश्किल से पहुंचे। पापा जी ने आते कपड़े चेंज कर लिए क्योंकि दिन भर के उस पैंट कोट के, पैंट कोट इज वेरी, इज नॉट गुड, आई थिंक 24 घंटे के लिए तो पैंट कोट बहुत बुरा है। तो आते पापा जी से पहले हाथ मुंह धोकर रेडी हो गए बिल्कुल, अपने नॉर्मल चप्पल चुप्पल लेकर सब कुछ आए हुए हैं। हम तो चप्पल आए नहीं, हम क्या पहनेंगे, याद ही पूरी है ना, फड़ी। तो गाइज मैं भी चाय पी लेता हूँ, अगर मैं वीडियो बनाता रहा तो मेरी चाय ठंडी हो जाएगी, उसके बाद फिर देखते हैं आगे क्या होता है। हाँ जी गाइज, तो गाइज मैं और मन्नू भैया अब सामान लेने जा रहे हैं कुछ बाहर। एक्चुअली कल मन्नू भैया जी की एनिवर्सरी है जैसे कि आपको पता ही है, तो हम लोग केक का ऑर्डर देने जा रहे हैं। तो मैं और मन्नू भैया बाइक पे आ रहे हैं, मन्नू भैया बाइक चला रहे हैं आगे और मैं पीछे बैठा हूँ। मैंने सिर्फ एक स्वेटर पहना हुआ है, मन्नू भैया ने तो जैकेट पहनी हुई है, मन्नू भैया तो पूरे पैक को रखे हैं, मैं तो सिंपल से सिर्फ स्वेटर पहना हुआ है। तो मन्नू भैया बोल रहे थे मुझे चलाने को बाइक, लेकिन मुझे रास्तों का नहीं पता, गलियों का नहीं पता, तो मैं पीछे बैठ के ब्लॉग बना रहा हूँ। तो मन्नू भैया गाड़ी बाइक चला रहे हैं। तो गाइज ठीक है, मिलते हैं फिर आपके साथ शॉप में ही। तो गाइज हम लोग शॉप में पहुँच गए हैं, यहाँ बहुत सारे केक रखे हुए हैं, सामने केक रखे हुए हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। तो यहाँ पे गाइस केक है, रेड वेलवेट जो केक है वो बनवाना है मन्नू भैया ने, को मैंने बताया। एक्चुअली मेरे बर्थडे पे मुझे केक मिला था रेड वेलवेट, तो वो बड़ा अच्छा लगा था केक रेड वेलवेट सभी को खाने में, तो वही केक जो है हम लोग बनवाएंगे। मन्नू भैया अंदर चला गया केक का ऑर्डर देने के लिए, तो यहाँ पे हम लोग भी रेड वेलवेट ही बनवाएंगे केक गाइस। तो गाइस फाइनली हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं,
और यहाँ पे गद्दे भी बिछा दिए हैं। मुनीश तो काफ़ी थक गया, आज पूरा दिन इसने गाड़ी ड्राइव करी अबाउट 400 किलोमीटर, तो मुनीश तो बहुत थक गया। तो आते देखो यहाँ पे गद्दे बिछा दिए सोने के लिए। पापा जी बहुत थक गए, आंखें बंद हो रही हैं। पापा जी ध्यान से देखो आप, पापा जी सो गए हैं। मम्मी जी बाहर भाभी जी के साथ हेल्प कर रहे हैं। मन्नू भैया कुछ सामान लेके आया अभी बाहर से, दूध वगैरह। गाइस देखिए आपको पता है जब लोग बाहर रहते हैं, मम्मी मन्नू भैया और भाभी जी दोनों रहते हैं, तो इन्होंने इतना ज़्यादा सामान रखा नहीं हुआ कि मेहमान कम भी आते हैं, कोई आता नहीं। तो अभी मुनीश वगैरह ये उन्होंने सारा अरेंजमेंट किया, मुनीश और मन्नू भाई जाकर ये गद्दे वगैरह लेकर आए। और ऑब्वियस ही बात है, आप समझ सकते हैं कि यार जब लोग बाहर जॉब करते हैं तो कोई इतना सामान रखता नहीं, क्योंकि हर कभी कभी जॉब शिफ्ट भी करनी पड़ जाती है। इतना सामान फ्रिज अलमारी और ये कूलर और सब कुछ लेकर कहाँ जाना, तो इसके गद्दे वगैरह कम ही थे। तो अभी ये लेने गए थे कम्बल गद्दे, सारा सामान लेकर आ गए। और देखिए मन्नू भैया बड़े खुश हो रहे हैं। अच्छा अच्छा पापा जी भी ठीक है। तो गाइज फाइनली हम लोग खाना खाने लग पड़े हैं। आज तो मुझे बहुत थक गया। भाभी जी ने सुबह से पता नहीं क्या क्या बना दिया, राजमा मटर पनीर गोभी की सब्जी, उसके बाद मीठे में भाभी जी ने क्या बनाया हुआ है, गजरेला, और भी पता नहीं क्या क्या बना रखा है उन्होंने। तो मतलब सुबह से लगे हुए हैं, मतलब उनको ये लगा कि यार हमारे घर वाले अपने जो लोग हैं वो आ रहे हैं बहुत दूर से, कांगड़ा से। मम्मी पापा सुबह 3 बजे के उठे हैं और सुबह 3 बजे के चले, चंडीगढ़ पहुंचे सुबह 10 बजे। उसके बाद आगे हमने गाड़ी में ड्राइव करना शुरू किया, 8 बजे यहाँ बल्लभगढ़ पहुंचे। तो आप देखो सुबह से ड्राइव कर रहे हैं, और भाभी जी पूरा दिन सफाई पूरी पूरी है, बढ़िया सारा खाना खुना बहुत कुछ बनाया हुआ है। मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ एक बार। जो गाइज सैलड गोभी की सब्जी, मटर पनीर का, वो उसमें मटर पनीर पड़ा हुआ है। देन मम्मी जी अभी सभी को खिला रहे हैं, बाद में खाएंगे। मन्नू भैया खाने बैठ गए हैं, मुनीश खा रहा है, और साथ में सभी अपने अपनी चॉइस का खा रहे हैं। पापा जी भी खा रहे हैं, साथ में पापा जी भी खाना खाने लग पड़े हैं। भाभी जी सभी को खाना खिला रहे हैं। तो गाइज मैं भी खाना खा लेता हूँ फटाफट, फिर मिलते हैं बाद में। तो गाइज फाइनली अब सोने की तैयारी शुरू हो गई है। मुनीश से तो कुछ बोल नहीं रहे, इतने थक गए हैं कि देखो, मैंने कहा तू बोल ले लास्ट में, अब मैं क्यों बोलूंगा। मैं बार बार मैं ही बोल रहा हूँ कि भाई अब खाना खा रहे हैं, अब चाय पी रहे हैं, अब ये कर रहे हैं, अब तू बोल ले। बोलता मैं कुछ नहीं बोल सकता, मैं बहुत थक गया हूँ। मुकेश तू बोल, और सब्सक्राइबर्स को बताओ कि मैं बहुत थक गया हूँ। देखो आते सो गया मुनीश सर, बोलना चाहोगे कुछ? हाँ बस यार गुड नाइट। ओके सामने मन्नू भैया सो गया, सामने देखो हमारे बड़े भाई सो गए हैं, ऊपर मम्मी पापा मम्मी जी सो गए, पापा जी भी सो गए। देखो साथ में भाभी जी इस तरफ किचन है, सिर्फ बर्तन साफ करने हैं, और ये मैं बैठा हूँ। तो ये मैं हूँ, ये मन्नू भैया हैं, ये सेठू हैं, ये मम्मी पापा जी हैं, और ये भाभी जी बर्तन धो रहे हैं। गुड नाइट, बाय बाय। इसी साथ ब्लॉग को समाप्त करता हूँ। अगले ब्लॉग में जहाँ भी घूमने जाएंगे, आगरा गए तो आगरा, नहीं तो दिल्ली, जहाँ भी जाएंगे आप लोगों को जरूर बताएंगे। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।